हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवादा बाइकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑटो मार्केट की अपकमिंग टॉप फोर मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में, जो कि आपको आने वाले एक से दो मंथ में लॉन्च होने वाली है। इस साल के आखिरी मंथ तक कई कंपनीज अपनी नई बाइक्स को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। इस लिस्ट की ज़्यादातर बाइक्स रेट्रो सेगमेंट की थीम पे बेस्ड है, क्योंकि इंडियन ऑटो मार्केट में रेट्रो सेगमेंट की बाइक्स का डिमांड बीते कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ा है। वहीं सबसे ज़्यादा सेल होने वाली भी सेगमेंट यही है, इसलिए कंपनी टाइम टू टाइम इस सेगमेंट में कई नए ऑप्शंस और कई अपनी पुरानी बाइक्स की अपडेटेड मॉडल को लॉन्च करती रहती है। हाल में ही आपने देखा भी होगा, कई नई बाइक्स की टेस्टिंग चालू भी हो चुकी है। तो इस लिस्ट की जितने भी बाइक्स हैं वो बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो जो भी भाई लोग आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं, उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बाइक्स की सारी जेन्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर फॉलो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की फोर्थ बाइक है बजाज पल्सर 250। बजाज पल्सर एनएस 250 और पल्सर 250F दोनों ही बाइक्स को एक ही लाइनअप पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। काफी लोगों को इसके नाम को लेके काफी डाउट रहता है, क्योंकि कहीं कहीं ये बाइक आपको डायरेक्ट पल्सर 250 और पल्सर 250F के नाम से भी देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं, ये बाइक दो मॉडल में लॉन्च होने वाली है। पहला नेकेड सेगमेंट की बाइक होगी, जिसका नाम आपको पल्सर 250 या फिर पल्सर एनएस 250 देखने को मिलेगा, और दूसरा मॉडल फुल्ली फेयर रहने वाला है, जो कि पल्सर 250F के नाम से लॉन्च होने वाली है। अब बात कर ले दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में, तो दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन ऑफर होने वाला है। इसमें आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक F5 लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI इंजन देखने को मिलेगा, जो 25 PS से 28 PS तक का पावर प्रोड्यूस करेगी और 21 Nm से 23 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इंजन स्पेक्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। इस बाइक की एक्सेलरेशन काफ़ी सही होने वाली है, साथ में इसका टॉप एंड भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड टॉप स्पीड इसका 180 km/h तक का देखने को मिल सकता है। बाकी जब बाइक लॉन्च होगी फिर आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इसकी टॉप स्पीड की। बात करें अगर दोनों ही बाइक्स के लुक की, तो पल्सर एनएस 250 में आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। इसका लुक काफी बल्की और एग्रेसिव रहने वाला है। वहीं बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, स्प्लिट सीट, पिलन ग्रैब रेल देखने को मिलेगी। इसके कुछ कंफर्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पिलन फुटरेस्ट, पिलन ग्रैब रेल, इंजन किल स्विच, स्प्लिट सीट, स्टैंड अलार्म जैसे सारे मेजर फीचर्स इसमें आपको ऑफर की जाएगी। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की देखें तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलेगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक और फ्यूल गोसो होगी। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 41mm का टेलीस्कोपिक फॉक्स विद एंटी ब्रुक फ्रिक्शन बुश और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगी। वहीं पल्सर 250 का लुक कहीं ना कहीं बजाज की पल्सर 220F से सिमिलर रहने वाला है। अभी हाल में इसके फ्रंट सेक्शन की कुछ लुक की इमेज स्पाई शॉट्स हुई हैं टेस्टिंग के टाइम पे। बजाज इसको बिल्कुल नई फ्रेश लुक के साथ लॉन्च करने वाली है। इसके लुक को पहले से ज़्यादा बल्की और स्पोर्टी बनाया जाएगा। फ्रंट सेक्शन में आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगी, साथ में ही आपको डोर डीआरएल्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ही प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लो बीम और हाई बीम दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका टेल लाइट को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नए डिजाइन में रखा जाएगा, जिसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप दी जाएगी। इसमें आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स ऑफर्स की जाएगी। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल ऑफर की जाएगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, टाइम जैसे कई सारी मेजर फीचर्स शो होगी। अब बात करें दोनों ही बाइक्स की प्राइस और लॉन्च रेट की, तो बजाज हमेशा से बाइक की प्राइसिंग काफ़ी इन बजट रखती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अब तक की 250cc सेगमेंट की सबसे सस्ती बाइक हो सकती है। NS 250 का एक्सपेक्टेड प्राइस 1.65 लाख से 1.75 लाख तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। वहीं पल्सर 250F का एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1,75,000 से 85,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। हो सकता है लॉन्च होने के बाद प्राइस टैग में आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिले, और ये दोनों ही बाइक्स आपको बहुत जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अभी हाल में ही 28 अक्टूबर को बजाज पल्सर 250 को लॉन्च करने वाली है, जिसका की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वीडियो आपको ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट की थर्ड बाइक है यामा MT-15 न्यू मॉडल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें होने वाली चेंजेस की, तो पहला अपडेट इसके ABS में किया गया है। इसमें अब आपको डुअल चैनल ABS ऑफर की जाएगी। अभी तक बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता था, बट इसके न्यू मॉडल में अब आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इस अपडेट का नीड MT-15 में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा था, क्योंकि अगर इसके कॉम्पिटिटर बाइक्स की बात करें तो इसमें अब आपको डुअल चैनल ABS सब में देखने को मिलता है। यही रीजन है कि काफी लोग डुअल चैनल ABS न होने की वजह से दूसरे बाइक्स पे शिफ्ट हो जाते थे, तो यहाँ पे डुअल चैनल ABS
अभी तक MT15 का सबसे बड़ा कमी माना जा रहा था। नेक्स्ट अपडेट इसमें अब आपको कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी देखने को मिलेगा। ऐसे रूमर्स भी निकल रहे हैं कि इसमें आपको सेम R15M वाला क्लस्टर ऑफर किया जा सकता है और इसमें क्विक सेप्टर भी ऑफर किया जा सकता है, बट ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। बाइक में अब आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न बाई टर्न नेविगेशन सिस्टम जरूर देखने को मिलने वाला है। हाल में ही यामा ने FZS V3 में ये अपडेट्स दिया था, वो सारी फीचर्स अब आपको MT15 के क्लस्टर में भी देखने को मिलेगा। साथ में अब आपको MT15 में कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारी एसेसरीज भी ऑफर की जाएगी। ये सारी एसेसरीज इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में अभी ऑफर की जाती है, सेम एसेसरीज आपको अब इंडिया में भी ऑफर किया जाएगा। वहीं इसमें अब आपको बिल्कुल नए कलर्स और नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। हाल में इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में यामा MT15 के नए कलर्स और ग्राफिक्स को रिवील किया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि MT15 के न्यू मॉडल में भी आपको सेम वही कलर्स और ग्राफिक्स ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको दो और नए कलर्स ऑफर किए जाएंगे, पहला ग्रीन कलर और दूसरा मैट ब्लैक, जिसमें कि आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाएगा। फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस और लॉन्च रेट की। तो अभी MT15 के करंट मॉडल की ऑन रोड प्राइस 1,65,000 है, जो कि अब 5,000 to 10,000 तक बढ़ने वाला है। नए मॉडल की ऑन रोड प्राइस 1,75,000 तक देखने को मिलने वाला है और यामा इसको दिसंबर के लास्ट वीक में लॉन्च करने वाली है। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, यामा अपनी R15 की वर्जन 4 और R15M को लॉन्च किया है, तो अब बहुत जल्द यामा MT15 को भी इंडिया में उतारने वाली है। हमारे लिस्ट की सेकेंड बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सबसे पहले बात करें इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो कंपनी इस बाइक को लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले रही है। अभी रिसेंटली ही रॉयल एनफील्ड ने 1 सितंबर को क्लासिक 350 की नेक्स्ट जन मॉडल को इंडिया में रिवील किया है। इसी के साथ अब रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पे अपनी फोकस रखने वाली है। इसकी टेस्टिंग काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है, उसके बाद क्रूजर 650 जिसका की टेस्टिंग काफी पीक पे चल रहा है। हो सकता है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को क्रूजर 650 के साथ लॉन्च करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों बाइक्स एक साथ रेंडर की गई है और ये बाइक स्पेशली लोगों के नीड के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो वेट और करना पड़ सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक लास्ट 2021 तक लॉन्च हो जाएगी और इसका प्राइस 1,95,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 2,10,000 तक देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा प्राइस टैग में आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है। हाल में इस बाइक के पिक को रेंडर भी किया गया है, जिसका की क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तक इस बाइक की कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, बट अभी आ रही लीक्स में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये रॉयल एनफील्ड की 350cc सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको मेटियोर 350 से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। मार्केट रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि मेटियोर 350 का इंजन अब तक की रॉयल एनफील्ड का सबसे रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। यही रीजन है कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में मेटियोर 350 का इंजन यूज कर रही है। इसमें आपको सेम मेटियोर से मिलता जुलता पावर, स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिलेगा। रॉयल एनफील्ड एक अफोर्डेबल प्राइस टैग में 350cc का नया वेरियंट लॉन्च कर रहा है, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ रेट को फिर से वापस लाने की कोशिश में है। हाल में इस बाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की पिक भी वायरल हुई थी। वायरल पिक में आप क्लियर देख सकते हो कि इसका क्लस्टर अब तक की रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक से बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। ये क्लस्टर आपको बिल्कुल नए डिजाइन में देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऊपर के साइड में एनालॉग और नीचे के साइड में डिजिटल कंसोल देखने को मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड ऐसा भी हो सकता है इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन भी ऑफर करे, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है। जैसा कि अभी क्लासिक 350 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में ट्रिपल नेविगेशन ऑफर किया जा रहा है, उस हिसाब से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड इसमें भी आपको ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम ऑफर कर सकती है। लुकिंग वाइज अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है ये बाइक मेनली कॉम्पिटिशन देने वाली है होंडा की हाइनेस CB350 और CB350 RS को। इसकी सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है, जिससे कि पहले जो शॉर्ट राइडर्स को रॉयल एनफील्ड के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, वो शायद इसमें आपको देखने को ना मिले। इस बाइक को मेनली लोगों के फीडबैक और नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, ये भी एक मेन रीजन इसके लॉन्चिंग के डिले होने के लिए है। कंपनी भी चाह रही है कि इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी फीचर्स ऑफर करा जाए, क्योंकि अभी देखें तो ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है। इंटरसेप्टर का लुक लोगों को काफ़ी पसंद आता है, बट प्राइस टैग ह्यूज और 650cc का इंजन होने की वजह से लोगों का अटेंशन काफ़ी कम हो जाता है इंटरसेप्टर की तरफ से। यही रीजन है कि कंपनी 350cc में इंटरसेप्टर का लुक दे रही है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक से अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसका डिज़ाइन इंटरसेप्टर 650 पे बेस्ड रहने वाला है और इस बाइक में जे फ्रेम यूज़ किया गया है, जिससे कि बाइक के वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सके और हैंडलिंग भी इसमें आपको काफी बेहतर ऑफर होने वाली है। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है जावा 350 स्क्रैम्बलर। येजी रोड किंग जावा की तरफ से काफी पॉपुलर बाइक हुआ करती थी और उस टाइम पे ये बाइक टोटली मेड इन इंडिया हुआ करती थी। इस बाइक को इंडिया में फर्स्ट टाइम 1978 में लॉन्च किया गया था। येजी रोड किंग एक टाइम पे अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक थी, बट कंपनी ने इसको 1996 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट येजी रोड किंग को अब फिर से लॉन्च करने का मूड कंपनी ने बना लिया है।
इसका मेन कॉम्पिटिशन रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और होंडा सीबी 350 आरएस से होने वाली है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या ये बाइक हंटर के सामने टिकने वाली है या नहीं टिकने वाली है। इसका लुक आपको कैफे रेसर थीम पे बेस्ड रहने वाला है। ये श्री रोड किंग को टोटली नए प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है। इसमें आपको काफी अट्रैक्टिव लुक दिया गया है, जिससे कि बाइक लुकिंग वाइज काफी शानदार देखने को मिल रही है। 350 सीसी सेगमेंट के किसी भी बाइक में आपको फर्स्ट टाइम ड्यूअल एग्जॉस्ट ऑफर किया जाने वाला है, जो कि बाइक के सेल को रेज करने के लिए एक मेजर फैक्टर माना जा सकता है। एग्जॉस्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेज्ड हुआ है, जिससे कि काफी सारी लुक सामने से निकल के आ रही है। बट ये एग्जॉस्ट अभी आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट है। इसकी सीट हाइट को काफी कम रखा गया है, जिससे कि शॉर्ट राइडर्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। इस बाइक को मेनली लोगों के नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। कंपनी भी चाह रही है इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी फीचर्स ऑफर करा जाए, क्योंकि अभी देखें तो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है। तो अगर कंपनी को अगर इस सेगमेंट में कम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं बाइक में काफी कुछ शानदार फीचर्स, एक परफेक्ट लुक और रिलायबल प्राइस टैग में इसको लॉन्च करना पड़ेगा। यही रीजन है कि कंपनी 350 सीसी में स्क्रैम्बलर का लुक दे रही है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बाइक के वाइब्रेशन को भी काफी हद तक कम किया जाएगा और हैंडलिंग भी इसमें आपको बेटर ऑफर किया जाएगा। ओवरऑल आपको मैं इस वीडियो में सिंपल बताया हूँ कि इस बाइक में क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है टेस्टिंग के क्लिप से, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग गया होगा इस बाइक में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्या क्या आने वाले दिनों में इसमें ऐड किया जा सकता है। अब बात करें फाइनली इसके लॉन्च रेट और प्राइस की, तो कंपनी इस बाइक को लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकती है। इसकी फिलहाल अभी टेस्टिंग चल रही है, कंपनी इसमें बहुत सारे चेंजेस करेगी, जिससे कि बाइक के लॉन्चिंग में आपको डिले देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इसका 2022 के फर्स्ट मंथ का माना जा रहा है, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कब तक आपको ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिल सकती है। और इसके प्राइस के बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, बट 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस होंडा की सीबी 350 आरएस के आसपास ही देखने को मिल सकता है, या उससे मैक्सिमम 8 to 10,000 तक का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक के लिए वेट करेंगे और किस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।